ये कहानी है कैसे जंगल की, जहाँ पर एक चिड़िया रहती है जिसका सोने का घोंसला है। आओ जानते हैं हम उस चिड़िया के बारे में। देखो, वहाँ पर एक चिड़िया है और उसका सोने का घोंसला है। अब जानते हैं ये सोने का घोंसला कहाँ से आया। अब वो चिड़िया तो ऐसी नहीं है कि यूं ही घुमा करती है, वो तो ऑटो चलाती है, ऑटो से सवारियां छोड़ती है और उससे पैसे कमाती है, जिससे उसने अपने बच्चों के लिए सोने का घोंसला बनाया है। और ये बहुत ही सुनहरी और कीमती घोंसला है, क्योंकि उनने एक एक पाई जोड़ कर उसने सोने का घोंसला बनाया है। और किसके लिए बनाया है? अपने बच्चों के लिए। उस सुनहरी घोंसले में अपने बच्चों को रखेगी ताकि उनको कुछ दिक्कत ना आए। और वो रिक्शा चलाती है, एक ऐसा जादुई जंगल जहाँ पर रिक्शा चलाने वाली सोने की घोंसले वाली चिड़िया रहती है, जो अपना गुजर बसर उस रिक्शा को चला कर करती है। वह जंगल के दूसरे जानवरों को रिक्शा में बिठा बिठा कर इधर उधर छोड़ती है। वो जादुई चिड़िया है और ये घने जंगल में अकेले एक चिड़िया है जो रिक्शा चलाती है। जब इस चिड़िया के बारे में दो शहरी आदमियों को पता चला तो वो उस जंगल की ओर वो निकल पड़े, उस सुनहरी घोंसले वाली चिड़िया को ढूंढने जिसका सोने का घोंसला है। अब वो उसे ढूंढने निकल गए जंगल की ओर। अब ये दो शहरी आदमी चलते हुए उस जंगल में एंटर हो गए हैं। अब देखो क्या होता है। अब ये शहरी दो इंसान उस जादुई जंगल में उस जंगल में उन शहरी आदमियों का सामना एक शेर से हो जाता है, क्योंकि उनके सामने एक भयंकर शेर खड़ा था। अब वो तो काफ़ी डर रहे थे। अब उनको तो ऐसा लग रहा था कि वो सोने के घोंसले के लालच में अब हम अपनी जान से जाएंगे। लेकिन इसी बीच वो सोने के घोंसले वाली चिड़िया आ जाती है और उस शहर को वहाँ से भगा देती है और उन शहरी आदमियों को बचा लेती है। और फिर वह शहरी आदमियों को बोलती है, ये काफ़ी घना जंगल है, तुम यहाँ ज़्यादा देर ना रुके तो ही बेहतर होगा। वो चिड़िया उनको समझा देती है और उनको यहाँ से जाने का बोलती है। फिर वो आदमी फटाफट चले जाते हैं वहाँ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।